जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के करेंसी नोट हैं जो, इनके मुतलक आपको मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। इनके जो इस वक्त के यानी कि लेटेस्ट प्राइस हैं, यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से बात करेंगे तो वो क्या बन रहे हैं, उससे भी आपको अपडेट कर दूंगा। और एक चीज़ मैं कि आपको बताऊंगा इसमें ख़ासियत, वो ये है जी कि एक तो ये देख लेंगे सब हैं, लेकिन ये पाँच वाले नोटों में एक ख़ास चीज़ है, वो क्या है वो आपको मैं बता दूँगा। ये सब सबके सब न्यू तो नहीं है, जो इस वक्त मार्केट में न्यू मुतारफ़ करवाए जा चुके हैं वो प्लास्टिक टाइप के, लेकिन ये है बिल्कुल न्यू है, तो इनकी एक ख़ास बात है, उससे भी आपको अपडेट करता हूँ मैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें ये 500 वाले नोट के मतलब, तो इसके मतलब भाई ये है कि आपको पता ही सऊदी अरब का सबसे बड़ा करेंसी नोट यही है, तो इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये मेरे हिसाब से इस वक्त 4570 या 4580 इस अराउंड में 1000 का रेट चल रहा है पाकिस्तान में, यानी कि 4570 एक रियाल का और 4580 के अराउंड में, तो 500 रियाल के आप हिसाब लगा लें, उस हिसाब से आपको आप अंदाज़ा कीजिए कि 23,000 या कुछ रुपीज़ कम बनेंगे 23,000 से। तो आगे 100 पड़ा हुआ है जी, देख लें 100 वाले की अगर बात करें तो ये तो भाई 4500 वही सॉरी 4500 4570 रुपये बोल रहे हैं, 80 रुपये बोल रहे हैं। तो इससे आगे 50 वाला पड़ा हुआ है, 50 वाले की अगर बात करें तो इसके भाई 45 को वही 2300 रियाल बोल रहे हैं, 2300 रुपये बोल रहे हैं आप, थोड़े कम बन जाएंगे उससे। तो अभी शायद जिस टाइम तक आप वीडियो देख रखे हों इससे भी ज़्यादा बढ़ चुके हों। तो आगे 20 वाला पड़ा हुआ, ये सऊदी अरब ने G20 के नाम से न्यू नोट मुतारफ करवाया था, अभी इसे भी एक साल होने वाला है, तो 20 रियाल के हिसाब से आप अंदाज़ा कर लें 10 रियाल के 470 रुपए या 480 रुपए बनते हैं। तो ये आप खुद अंदाज़ा कीजिए भाई 1000 के अराउंड में, यानी कि 950 के अराउंड में ये भी बनेंगे। उससे आगे 10 रियाल पड़े हुए हैं, अच्छा 10 रियाल का नोट इसके अलावा भी एक है, तो इसकी अगर बात करें तो ये आपको भाई 10 रियाल में 470 रुपये 480 रुपये के अराउंड में। अभी आपको मैं ये जो चीज़ दिखा रखा था इनमें, जो मैं पांच वाले नोटों में एक चीज़ मैंने आपको जो दिखानी थी, और ये सऊदी अरब के करेंसी नोट है तमाम, और इनके अलावा नोट दूसरे भी हैं लेकिन करेंसी नोट यही हैं, इनके अलावा नहीं है कोई। वो एक तो इधर है जी एक रियाल, ये 50 हलाले और 25 हलाले दो रियाल वाला सिक्का भी होता है। इनकी क्या ख़ास बात थी वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये सीरियल वाइज के हिसाब से पड़े हुए हैं जितने भी हैं, तो एक ही शॉप से अभी मिले हैं। तो एक तो आप सीरियल देख रहे हैं इनकी 961, ठीक है जी, आगे 962 है जी, ये नीचे देखते हैं ये वाला, और इधर पड़ा हुआ जी 963, आगे है जी 964, और आगे है जी 965, आगे 966, और जी 161 से 966 तक है। तो देख लें ये सीरियल वाले के हिसाब से बिल्कुल न्यू है जी, तो ये इनकी एक ख़ास बात थी। बाकी प्लास्टिक वाला नोट आपको पता है जी, पाँच रियाल वाला वो भी मार्केट में आ चुका है। तो आपको करेंसी नोट मैंने सऊदी अरबिया के जो इस वक्त के हैं वो आपको दिखा दिए हैं, यानी कि इनके अलावा नोट और भी हो सकते हैं लेकिन करेंसी नोट सऊदी अरबिया के यही हैं, यानी कि 500 से बड़ा नोट तो आपको पता फिर है नहीं कोई। और इस वक्त के जो रेट हैं इनके पाकिस्तान के लिहाज से, उससे भी आपको अपडेट कर दिया है। मज़ीद आप अगर 6 माह बाद वीडियो देख रखे होंगे तो उस टाइम आपको शायद इनके प्राइस मज़ीद ज़्यादा दिखाई दें। ये प्लास्टिक वाला भी मिल गया एक, देख लें जी आप, ये प्लास्टिक का नोट जो जिसे हम बोलते हैं, इस टाइप से आप दूसरी तरफ भी इसके देख सकते हैं। तो ये आपको पता है जी वाटरप्रूफ भी इसे बोला जाता है, डस्ट प्रूफ वाटरप्रूफ, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन पांच वाला ये भी नोट है और इसके अलावा एक और भी है।